बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आपको इसके सीरियल सेटिंग, स्ट्रिंग और इसके हर्ट्ज वगैरह बताते हैं। कैलिब्रेशन की तरह सबसे पहले इसके प्रेस एंड होल्ड रखेंगे, इंटर पासवर्ड लिखा आ जाएगा, ठीक है। फिर हम 5011 कोड लिखने के बाद इंटर करेंगे तो हमारे सामने ये सर्वे सेटअप मोड आ जाएगा, एग्जिट अल्टर। हमने कैलिब्रेशन की तरह ही अल्टर में जाना है। फिर आ जाएगा स्केल, हमने स्केल के अंदर इसकी कैलिब्रेशन है लेकिन हमने अब 232 में जाना है। स्केल से हम आगे जाएंगे, यूनिट का बटन प्रेस करेंगे दो मरतबा तो सीरियल मेन्यू लिखा आ जाएगा। फिर हम प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर इंटर हो जाएगा, कॉम वन चैनल लिखा आ जाएगा। फिर हमने कॉम वन चैनल के अंदर इंटर होना है, यहाँ पर लिखा आ जाएगा कॉम वन ऑप्शन। अब हमने इसके बार ट्रेड वगैरह सेट करने हैं। फिर हमने यूनिट की मदद से आगे जाना है, सबसे पहले आ जाएगा बार ट्रेड, प्रिंट करेंगे। हमने जो भी बार ट्रेड सेलेक्ट करने होंगे, सपोज हम 2400 सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये इंटर का बटन दबाएंगे तो ये हमारे बार ट्रेड सेव हो जाएंगे, ठीक है। चेक करने के लिए देखेंगे ये बार ट्रेड 2400 सेव हो गए। उसके बाद हम इसके डाटा बिट में जाएंगे, डाटा बिट हम चेंज करेंगे, 8 है हमारी, इंटर करेंगे सेव हो जाएगी। फिर ये बार आ जाएगा, इससे आगे हमारी पैरिटी आ गई, पैरिटी हमारी नन चल रही है, इंटर दबा के सेव करेंगे। फिर यूनिट से आके जाएंगे, ये हैंड शेक आ जाएगा, हैंड शेक हमने नन रखना है। नन रखने के बाद इसको सेव करेंगे। फिर आगे जाएंगे, ये इसके बार ट्रेड वगैरह सेट हो गए। अब हम इसके स्ट्रिंग की तरफ देखते हैं। अब हमने इसका डाटा कंटिन्यू करना है। अब हैंड शेक से आके यूनिट की मदद से हम जाएंगे कॉस मोड में, इसमें इंटर करेंगे। इसमें हमने कंटिन्यूस रखना होता है, यानी डाटा हमारा कंटिन्यू चलता रहे, कंटिन्यूस पे इसे इंटर करने के सेव करेंगे। फिर अब हम इसके आ जाते हैं सीरियल रेट हर्ट्ज, हर्ट्ज इसकी स्पीड होती है कि हमने इसकी रेट रखी हुई है। उसके बाद हम इसके स्ट्रिंग की तरफ चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग। उसी तरह हम आगे चलते हुए हम कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग में आएंगे, इसमें हम इंटर होंगे तो इसमें फिक्स स्ट्रिंग हमने 1 सेलेक्ट करनी है हमेशा। ये हमारी सेव हो जाएगी, सेव करने के बाद हमने यस कर देना, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग 1 सेट हो गई। अब हमने जाना है इसकी एडिटिंग स्ट्रिंग में, टीयर की मदद से हम इसको एडिटिंग स्ट्रिंग में आ जाएंगे। फिर हमने इस पर प्रिंट दबाएंगे तो इसमें ये 0000 आ जाएगा, हमने सबसे पहले ये सारे डिलीट कर देनी है, जितने भी लिखे होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। फिर हमने 000 से शुरू करना है, अब सबसे पहले हमने 000 में इसका देना है 129 देंगे, इंटर करेंगे तो ये एक में सेव हो जाएगा, 129 सेव हो गया, इसका मतलब होता है नेट वेट लिखा आ गया। फिर हम 001 में जाएंगे, 001 में हमने देना है स्पेस 032, इंटर करेंगे 032 सेव हो जाएगा। F2 दबा के हम चेक करेंगे 032, SP का मतलब है स्पेस। फिर हम 02 में इसका रखेंगे 132, इसका मतलब होता है KG, यूनिट आ जाएगा, यूनिट हमने KG रखना है। फिर आगे चले गए, अब हम 03 में आएंगे, 03 में हमने फिर उसको स्पेस देनी है 032, स्पेस आ जाएगा। फिर हमने 04 में 010 सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी हमारा डाटा, जैसे हम 4 पे 3 पे 032 स्पेस दे देंगे। अब हमने आगे जाना है, अभी हमारा डाटा, अब आपको स्ट्रिंग में दिखाते हैं हमारा लेफ्ट टू राइट डाटा जा रहा है। ये हमारा डाटा अब इस शेप में जा रहा है, हमारा नेट वेट भी आ गया, इसमें नेट वेट आ गया, नेट वेट के साथ हमारा KG भी आ रहा है। अब हमने इसको अप टू डाउन करना है, उसके लिए अब हम आपको अगला कोड दिखाते हैं कि अप टू डाउन इसको कैसे करेंगे। अब हमने 04 में 010 सेलेक्ट करना है। अब 04 में 010 सेलेक्ट हो गया, अभी हम देखते हैं उसमें हमारा डाटा किस तरह आ गया। अब हमारा डाटा स्ट्रिंग हमारे इस तरह आ गई है, जो कि हमारा एक्चुअल डाटा है, हमें इसी तरह के डाटा चाहिए था। अब इस तरह जैसे हमारा 004 में 010 हम सेव कर लेंगे, ये 15107 आ रहा है। जैसे ऑप्शन में आए इसके फंक्शन में तो इसकी एक हिस्सा ज़्यादा आ जाता है, इसको जब एग्जिट करेंगे, अभी हम आपको करके दिखाते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। देखिए 15010 हमारा वेट आ रहा है, और हमारे स्ट्रिंग में भी आप देख लें कि 15010 हमारा वेट आ रहा है, 15010 KG वेट आ रहा है। इसी तरह हम अब इसको 04 में सेव करवाने के बाद वापस आएंगे, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, जैसे सीरियल मैन हो जाएगा फिर हम सेलेक्ट का करेंगे, एग्जिट आ जाएगा, F1 दबाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अब हमारा 15010 वेट आ गया अब आपके सामने।
फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया सारी वर्किंग 15.0.10। अब यहाँ देखें ये 0.15.0.10 हमारा वेट आ रहा है। इसी तरह ये इसकी 232 कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी स्ट्रिंग की सेटिंग हो गई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।